नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करेंगे GTL इंफ्रा की। जी हाँ, क्वार्टर थ्री के नंबर आ गए हैं, नंबर कैसे हैं सब पे चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, अननोन चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है और जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है, अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्या क्या सारी चीज़ें हैं सब कुछ जानने को मिलेगा। और लास्ट में हम लोग चार्ट पे एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ हो सकता है रिजल्ट्स आने के बाद, कहां जा सकता है ऊपर या नीचे। लेकिन उससे पहले ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं टिप वगैरह नहीं देता हूँ, इसके चक्कर में मत ज्वाइन करिएगा। और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह केवल डालता हूँ और अपने YouTube वीडियो के लिंक डालता हूँ, कई बार YouTube नोटिफिकेशन नहीं देता है। चलिए समय वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो धैर्य के साथ वीडियो पूरा देखिएगा, सब कुछ देखने को मिलेगा और सब कुछ मैं बताऊँगा। आपको पता है मैं डीप एनालिसिस लेके आता हूँ पूरी प्रॉपर तरीके से, और इसीलिए आप लोग सभी लोग, मुझे पता है आप लोग आते भी हैं देखने, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है पूरा धैर्य के साथ देखिएगा। देखिए 8 फरवरी का मामला है, आज ही रिजल्ट आया जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेट नाइट, और यहाँ पर BSE और NSE दोनों को इन्फॉर्म किया है और आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग। देखिए रिजल्ट है, इसको मैं थोड़ा सा जूम अगर कर दूं तो यहाँ पर आपको क्लियर कट दिख भी जाएगा, लेकिन इसमें मज़ा नहीं आ गया। क्यों? क्योंकि आपको पिछले क्वार्टर से सारे जो क्वार्टर से उनमें कंपैरिजन देखने को नहीं मिलेगा, क्यों लास्ट क्वार्टर और उस पिछले साल यानी कि ईयर ऑन ईयर देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग आगे सब कुछ देखेंगे, बहुत प्रॉपर तरीके से देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपको नहीं किसी वीडियो में मिलने वाला है, वो मैं आपको बताने वाला हूं जो इनके रिजल्ट्स में आई है। देखिए सबसे पहले तो आपको पता है मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था जहां पर NCLT में इनके खिलाफ जो है वो केस रिजेक्ट हो गया था। आपको याद हो तो मैंने बताया था एयरसेल ने इनके खिलाफ केस किया था, है ना, पिटीशन डाली थी, इंसॉल्वेंसी पिटीशन डाली थी। लेकिन आपको शायद ये मैंने भी उस समय तक ये न्यूज़ में भी नहीं था, ये तो इन्होंने यहाँ पर इन्फॉर्म किया तो पता चला कि भैया वहाँ से तो वो बच गए थे NCLT से, तो यहाँ पर जो एयरसेल है वो कहाँ पहुँच गया है। द सेड लैंडर हैज़ फाइल्ड अपील अगेंस्ट दिस ऑर्डर बिफोर NCLAT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल पहुँच गया है। तो अब और देखिए NCLT और NCLAT में कन्फ्यूज मत हुआ होइएगा, है ना, NCLAT तो ये नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है, यानी कि ये छोटी चीज़ है, ये उससे बड़ी चीज़ है। तो यानी कि यहाँ से आप जब संतुष्ट नहीं होते हैं किसी चीज़ से, आपको जो आप चाहते थे आपके फेवर में रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो फिर आप कहाँ अपील करते हैं, NCLAT में होता है। जैसे आप सीधा समझिए हाई कोर्ट में आप नहीं जीते या हारे जो भी है, तो आप कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तो उसी तरह का मामला है। तो यहाँ पर अभी आप NCLAT में मामला है, अभी पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर देखिए क्या निकल गया था। जैसे कुछ आएगा अपडेट मैं आपके लिए लेके आऊँगा। देखिए पूरा नहीं पढ़ेंगे, इतना बड़ा परेशान मत होइए, केवल इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं बताऊँगा आपको। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि लगभग ऑलमोस्ट 14 टेलीकॉम कस्टमर्स के जो जिन्होंने छोड़ दिया है इनको, उसके उनसे रिलेटेड लगभग 14,000 टावर हैं जो अबेंडेंट पड़े हुए हैं, बिल्कुल बेकार पड़े हुए हैं। उस पर क्या कहते हैं, अच्छे खासे जो मिसक्रिएंट्स लोग हैं, मतलब जो उसको तोड़ ताड़ कर रहे हैं, उसको डिसमेंटल कर रहे हैं, अब सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर कुल मिला के सारी चीज़ें बताई गई हैं। और इतनी साइट्स हैं और लगभग इतना रुपया इन्वॉल्व हुआ है, इतना इसकी वजह से इतना सारा लॉस हुआ। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं कि इंश्योरेंस क्लेम के लिए भी बोला हुआ इन्होंने, और अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स जो हैं या अननोन मिसक्रिएंट्स हैं, इंक्लूडिंग फाइलिंग ऑफ FIR वट एवर या वेयर एवर एप्लीकेबल। तो यहाँ पर FIR वगैरह भी करी हैं। तो कुल मिला के आप देख पा रहे हैं 14,000 टावर जो हैं इनके लगभग बेकार पड़े हैं और लोग उसको ख़राब कर रहे हैं। और वो जो 14 कंपनियाँ थी जो आपने पीछे देखा, जिनके जिनके कस्टमर इनके पास से गए हैं, वो कौन कौन है जो बंद हुए हैं, जहाँ पर इनकी टेनेंसीज जो हैं वो कम हुए हैं, उनमें से देख पा रहे हैं आप, इंक्लूडिंग एयरसेल ग्रुप है, रिलायंस कम्युनिकेशन है, आपको पता ही है रिलायंस कम्युनिकेशन भी इंसॉल्वेंसी में चल रही है, टाटा टेलीकम्युनिकेशन है, बिजनेस कम्युनिकेशन ऑफ वोडाफोन एंड आइडिया है, बिल्कुल टेलीनॉर है, एयरटेल है, एटसेट्रा। तो ये सारे जितने भी हैं ये सब इनके हाथ से गए हैं, तो जिसकी वजह से इनका जो लॉस है वो वाइडन हो रहा है और क्या कहते हैं इनको अच्छा खासा लॉस देखने को मिल रहा है। अच्छा देखिए, जो बुरी खबरें तो हैं, लेकिन उसके साथ कुछ पॉजिटिव खबरें भी हैं, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगे मैं आप एक सेकेंड देखिए यहाँ पर कंपनी किन किन चीज़ों को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब एक आशा बनी हुई है कि कंपनी फिर से रिवाइव करेगी प्रॉपर तरीके से। कंसीडरिंग डिसमिसल ऑफ पिटीशन फाइल्ड बिफोर NCLT इनिशिएशन ऑफ CIRP, यानी कि CIRP जो स्टार्ट करने के लिए इनके खिलाफ याचिका डाली गई थी उसको NCLT ने डिसमिस किया था, उनको एक तरीके से
पॉजिटिवली ले रहे हैं। दूसरा क्या है, रिवाइवल पैकेज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट बिल्कुल ऑफ इंडिया फॉर टेलीकॉम सेक्टर। ये बिल्कुल टेलीकॉम सेक्टर के लिए जो गवर्नमेंट ने रिवाइवल पैकेज अनाउंस किया था उसको लेकर ये पॉजिटिव है। हाइक इन मोबाइल कॉल एंड डाटा टैरिफ्स बाय टेलीकॉम ऑपरेटर्स, बिल्कुल यहाँ पर आपको पता है कि डाटा टैरिफ्स और जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं मोबाइल कॉल वगैरह जो भी हैं उनके रेट बढ़ाए गए हैं। एंड सक्सेसफुल ये देख पा रहे हैं, सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन, बिल्कुल यहाँ पर आपको पता है अब 5G का मामला भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। मैपिंग ऑफ साइट्स ऑफ 5G रोल आउट बाई ऑपरेटर्स, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर कंपनी अभी भी एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू बना के रखे हुए है और कंपनी को लग रहा है कि हाँ आगे आने वाले समय में एक प्रॉपर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं देखिए रिजल्ट्स की, वहाँ पर मैंने आपको बोला था आगे हम लोग देखेंगे तो अब यहाँ पर हम लोग प्रॉपर तरीके से देखेंगे। तो देखिए पिछले क्वार्टर में जो रिजल्ट सेल्स आई थी 360 करोड़, सारी वैल्यू यहाँ पर आपको करोड़ में दिख रही है, वही सेम सेल आई है यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं 360 करोड़, जो कि दिसंबर 2021 में कितनी थी 371 करोड़, तो वहाँ से आपको डाउनफॉल दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो तगड़ा लॉस देखने को मिला 145 करोड़ का, उससे पहले सब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्लस में था और पिछले साल इसी क्वार्टर में आप देख पा रहे हैं तो 32 करोड़ था, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देख रहे हैं अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो यहाँ तक तो अभी तक प्लस में था ये देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको -40% आपको देखने को मिला है। अदर इनकम में जरूर यहाँ पर आपको 4 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है, फिलहाल 4 करोड़ दिख रहा है और पिछले साल इसी क्वार्टर में 2 करोड़ था, लेकिन इसके पहले 5 करोड़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो यहाँ पर ओवरऑल लॉस ही आपको देखने को मिल रहा है और लॉस वाइडेंस होता जा रहा है, बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करेंगे तो 464 करोड़ इस क्वार्टर में, उससे पहले 318 करोड़ माइनस में, 280 करोड़ माइनस में, 853 करोड़ माइनस में और 197 करोड़ माइनस में, तो यहाँ से भी अच्छा खासा लॉस बढ़ा है और यहाँ से भी आपको अच्छा खासा लॉस बढ़ा है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आपको अच्छा खासा दिख रहा है। अब प्रॉफिट है नहीं तो अर्निंग पर शेयर्स पे बात करने का कोई मतलब नहीं, लॉस नहीं है। तो कुल मिला के आपने रिजल्ट देख लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसे अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं, आपने देखा रिजल्ट्स की हालत खस्ता है ही है। अच्छा देखिए अब इन पैनी स्टॉक है, आपको पता है कंपनी की हालत क्या है ये आप भी जानते हैं, और पैनी स्टॉक में मैं हमेशा आपको यही सलाह देता हूं कि आप उतना ही पैसा लगाएंगे जितना खो जाए डूब जाए तो टेंशन ना हो। वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो आज बढ़िया वॉल्यूम इसने जनरेट किया है, लगभग 5 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट किया है। 5 करोड़ आप देखिए लगातार पूरा ही एवरेज ही है, आपको टुडे का यस्टरडे का आप देखिए, 1 वीक का एवरेज देखिए, 1 मंथ का एवरेज देखिए, तो अच्छा खासा आपको यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिला है। और 1 मंथ का एवरेज देखेंगे तो 61% जो डिलीवरी परसेंट है, 61% लोग घर लेके जा रहे हैं, 3 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ यहाँ पर आप 52% के आसपास कल देखने को मिला। अगर 50% आज भी देखेंगे तो लगभग 2.5 करोड़ शेयर लोग अपने घर लेके इसको गए हैं। अब बात करते हैं चार्ट की, तो देखिए मैंने इससे पहले जब वीडियो बनाया था तो मैंने बताया था 1 रुपये का जो है इसका एक अच्छा सपोर्ट भी है रेजिस्टेंस भी, अगर 1 रुपये का सपोर्ट टूटता है तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा आपको पता है। तो अभी फिलहाल वहीं आप देख रहे हैं, पिछले 4 दिनों से आप देख पा रहे हैं ये 1 रुपये पे ना नीचे जा पा रहा है ना ऊपर जा पा रहा है, तो वहीं पर ही ये अच्छा खासा कंसोलिडेशन वाले फेज में आपको दिख रहा है। RSI की बात करेंगे तो 41.51 है आपको, माफ़ कीजिएगा 41.15, अच्छा खासा कमजोरी आपको है, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं, लेकिन ठीक है बीच में है। लेकिन अभी फिलहाल मैंने बताया 1 रुपये के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो आपको फर्दर 1.15 रुपये, 1.25 रुपये और 1.50 रुपये के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर 1 रुपये सस्टेन नहीं कर पाता 1 रुपये के ऊपर, तो जैसे मैंने बताया ना विशेष इन्फो टेक्निक से, तो आपको ये मान के चलिए 75 पैसे से लेके 1 रुपये के बीच में और फिर 50 पैसे से लेके 75 पैसे के बीच में आपको कंसोलिडेशन वाले फेस काफ़ी लंबे समय तक देखने को मिल सकता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। बात करेंगे अगर हम लोग वीकली लेवल पे, तो वीकली लेवल पे भी आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस हफ्ते में बिल्कुल प्रॉपर अनडिसाइडेड कैंडल बनी हुई है, यहाँ पर कोई भी अभी साइड पता नहीं है कि इधर जाने वाली है इधर जाने वाली है, तो फिलहाल अभी आप दुविधा की स्थिति बनी हुई है। वीकली लेवल पे RSI की बात करेंगे तो 37.45 बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। बात करते हैं मंथली लेवल पे, तो मंथली लेवल पे भी अच्छी खासी गिरावट और ये देख रहे हैं इस महीने में आपको गिरावट के साथ पूरी प्रॉपर तरीका दिख रहा है और हो सकता है यहाँ पर आपको और 1 रुपये के नीचे भी आते हुए दिख सके देखने को मिल सकता है इसके मंथली लेवल के हिसाब से आपको, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर रहेंगे। मंथली लेवल पर RSI की बात करेंगे तो 44.10 बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको कमज़ोर दिख रहा है। चलिए गाइज सबसे पहले तो आपसे सबको एक चीज़ बता दूँ कि गाइज मैं सेवी रेस्टोरेंटिस्ट नहीं हूँ, वीडियोस प्योरली आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बगैर कतई नहीं करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और हाँ अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एस्प्रेसो बाय शेर खान और LIS ब्लू दोनों में से किसी में भी आपको खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में खुलवा सकते हैं। चलिए गाइज धन्यवाद।